हरे कृष्णा। अध्याय 14 प्रकृति के तीन गुण। श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम उत्तमम् यज्ञात्वा मुनय सर्वेर पराम सिद्धिम इतो गता। भगवान ने कहा अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूँगा जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तात्पर्य सातवें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक श्री कृष्ण परम सत्य भगवान के विषय में विस्तार से बताते हैं। अब भगवान स्वयं अर्जुन को और आगे ज्ञान दे रहे हैं। यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा भली भांति समझ ले तो उसे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। 13वें अध्याय में ये स्पष्ट बताया जा चुका है कि विनयपूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए भवबंधन से छूटा जा सकता है। यह भी बताया जा चुका है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्ववर्तित अध्याय में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वे वैकुंठ लोक के भागी हुए। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। अतः ये आशा की जाती है कि जो इस अध्याय को समझेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी। श्लोक 2 इदं ज्ञानम् उपायश्रित्य मम साधं यारमागतः सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथिन्ति च। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। तात्पर्य पूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेने पर मनुष्य भगवान के गुणात्मक समता प्राप्त कर लेता है और जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। लेकिन जीवात्मा के रूप में उसका वह स्वरूप समाप्त नहीं होता। वैदिक ग्रंथों से ज्ञात होता है कि जो मुक्तात्माएँ वैकुंठ जगत में पहुँच चुकी है वह निरंतर परमेश्वर के चरण कमलों के दर्शन करती हुई उनकी दिव्य प्रेम भक्ति में लगी रहती है। एतो मुक्ति के बाद भी भक्तों का अपना निजी स्वरूप नहीं समाप्त होता। सामान्यतः इस संसार में हमें जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वह प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा दूषित रहता है। जो इन गुणों से दूषित नहीं होता वह दिव्य ज्ञान कहलाता है। जब कोई व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त होता है तो वह परम पुरुष के समकक्ष पद पर पहुँच जाता है। जिन लोगों का चिन्मय आकाश का ज्ञान नहीं होता वे मानते हैं कि भौतिक स्वरूप के हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे भौतिक स्वरूप के कार्यकलापों से मुक्त होने पर यह आध्यात्मिक पहचान बिना किसी विविधता के निराकार हो जाती है। लेकिन जिस प्रकार इस संसार में विविधता है उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी है। जो लोग इसे परिचित नहीं हैं वे सोचते हैं कि आध्यात्मिक जगत इस भौतिक जगत की विविधता से उल्टा है। लेकिन वास्तव में होता यह है कि आध्यात्मिक जगत चिन्मय आकाश में मनुष्य को आध्यात्मिक रूप प्राप्त हो जाता है। वहाँ से सारे कार्यकलाप
आध्यात्मिक होते हैं और यह आध्यात्मिक स्थिति भक्ति में जीवन कहलाती है। यह वातावरण अदूषित होता है और यहाँ पर व्यक्ति गुणों की दृष्टि से परमेश्वर के समकक्ष होता है। ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लेने के लिए मनुष्य को समस्त आध्यात्मिक गुण उत्पन्न करने होते हैं। जो इस प्रकार से आध्यात्मिक गुण उत्पन्न कर लेता है वह भौतिक जगत के सृजन या उसके विनाश से प्रभावित नहीं होता। श्लोक 3। ममा योनीर महद ब्रह्मा तस्मीन गर्भम ददाम्ययहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारतः। हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ और जिसे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। तात्पर्य, यह संसार की व्याख्या है। जो कुछ घटित होता है वह क्षेत्र शरीर तथा क्षेत्रज्ञ आत्मा के संयोग से होता है। प्रकृति और जीव का यह संयोग स्वयं भगवान द्वारा संभव बनाया जाता है। महत तत्व की समग्र ब्रह्मांड का महत तत्व ही समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है और भौतिक कारण ही समग्र वस्तु, जिसमें प्रकृति के तीन गुण रहते हैं, कभी कभी ब्रह्म कहलाती है। परम पुरुष इसी समग्र वस्तु को गर्भस्थ करते हैं जिसे असंख्य ब्रह्मांड संभव हो सके हैं। वैदिक साहित्य में मुंडक उपनिषद 1.19 इस समग्र भौतिक वस्तु को ब्रह्म कहा गया है। तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रूपम मंत्रम च जायते। परम पुरुष उस ब्रह्म को जीवों के बीजों के साथ गर्भस्थ करता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि 24 तत्वों भौतिक शक्ति है और वे महद ब्रह्म अर्थात भौतिक प्रकृति के अवयव हैं। जैसे कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि इससे परे एक अन्य परा प्रकृति जीव होती है। भगवान की इच्छा से ये परा प्रकृति भौतिक अपरा प्रकृति से मिल जाती है। इसके बाद इस भौतिक प्रकृति से सारे जीव उत्पन्न होते हैं। बिच्छू अपने अंडे धान के ढेर में देता है और कभी कभी यह कहा जाता है कि बिच्छू धान से उत्पन्न हुई, लेकिन धान बिच्छू के जन्म का कारण नहीं है। वास्तव में अंडे माता बिच्छू किसने दिए थे। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति जीवों के जन्म का कारण नहीं होती। बीज भगवान द्वारा प्रदत्त होता है और वे प्रकृति से उत्पन्न होते प्रतीत होते हैं। इस तरह प्रत्येक जीव को इसके पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न शरीर प्राप्त होता है जो इस भौतिक प्रकृति द्वारा रचित होता है, जिसके कारण जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सुख या दुख भोगता है। इस भौतिक जगत के जीवों की समस्त अभिव्यक्तियों के कारण भगवान है। श्लोक 4। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति यः। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महद धो नीरहम बीजप्रदः पिताः। हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार के जीव योनिया इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। तात्पर्य, इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के आदि पिता हैं। सारे जीव भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग हैं। ऐसे जीव केवल इस लोक में ही नहीं
अपितु प्रत्येक लोक में, यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक में भी जहाँ ब्रह्मा असीन है पाए जाते हैं। जीव सर्वत्र है, पृथ्वी जल तथा अग्नि के भीतर भी जीव है। ये सारे जीव माता भौतिक प्रगति तथा बीज प्रदाता कृष्ण के द्वारा प्रकट होते हैं। तात्पर्य यह है कि भौतिक जगत जीवों को गर्भ में धारण किए हैं, जो सृष्टिकाल से अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विविध रूप में प्रकट होते हैं। श्लोक 5। सत्वं राजस्तम इति गुणा प्रकृति संभव निबद्धन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम्। भौतिक प्रगति तीन गुणों से युक्त है, ये है सतो रजो तथा तमो गुण। ये हे महाबाहो अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। तात्पर्य दिव्य होने के कारण जीव इस भौतिक प्रगति से कुछ भी लेना देना नहीं है, फिर भी भौतिक जगत द्वारा बद्ध हो जाने के कारण वह प्रकृति के तीनों गुणों के जादू के वशीभूत होकर कार्य करता है। क्योंकि जीव को प्रकृति की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर मिले हुए हैं, तो वे उसी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। यही अनेक प्रकार के सुख दुख के कारण है। श्लोक 6। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकं नामयं सुखसंगेन बंधनाति ज्ञानसंगेन चानद। हे निष्पाप सतगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। तात्पर्य प्रकृति द्वारा बद्ध किए गए जीव कई प्रकार के होते हैं। कोई सुखी है और कोई अत्यंत कर्मठ है तो दूसरा असहाय है। इस प्रकार के मनोभाव ही प्रकृति में जीव की बद्ध अवस्था के कारण स्वरूप हैं। भगवद्गीता इस अध्याय में इसका वर्णन हुआ है कि किस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार से बद्ध है। सर्वप्रथम सतगुण पर विचार किया गया है। इस जगत में सतगुण विकसित करने का लाभ यह होता है कि मनुष्य अन्य बद्ध जीव की तुलना में अधिक चतुर हो जाता है। सतगुणी पुरुष को भौतिक कष्ट उठाना पीड़ित नहीं करते और उसमें भौतिक ज्ञान की प्रगति करने की सूझ होती है। इसका प्रतिनिधि ब्राह्मण है जो सतगुणी माना जाता है। सुख का यह भाव इस विचार के कारण है कि सतगुण में पाप कर्मों के प्रायः मुक्त रहा जाता है। वास्तव में वैदिक साहित्य में यह कहा गया कि सतगुण का अर्थ यह ही है अधिक ज्ञान तथा सुख का अधिकाधिक अनुभव। सारी कठिनाई यह है कि जब मनुष्य सतगुण में स्थित होता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि वह ज्ञान में आगे है और अन्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इस प्रकार वह बद्ध हो जाता है। इसके उदाहरण वैज्ञानिक तथा दार्शनिक हैं। इनमें से प्रत्येक को अपने ज्ञान का गर्व होता है, क्योंकि वे अपने रहन सहन को सुधार लेते हैं एतवा उन्हें भौतिक सुख की अनुभूति होती है। बद्ध जीवन में अधिक सुख का यह भाव उन्हें भौतिक प्रकृति के गुणों से बांध देता है, एतवा वे सतगुण में रहकर कर्म करने की प्रति आकृष्ट होते हैं और जब इस प्रकार कर्म करते रहने का आकर्षण बना रहता है तब उन्हें किसी न किसी प्रकार का शरीर धारण करना होता है। इस प्रकार उनकी मुक्ति की
या वैकुंठ लोक जाने की कोई संभावना नहीं रह जाती। ये बारंबार दार्शनिक, वैज्ञानिक या कवि बनते रहते हैं और बारंबार जन्म मृत्यु के उन्हीं दोषों से बंधे रहते हैं, लेकिन माया मोह के कारण वे सोचते हैं कि इस प्रकार का जीवन आनंदप्रद है।